नमस्कार, मैं कपीश भल्ला और आप देख रहे हैं उदयपुर खबर। उदयपुर शहर के अंतर्गत यूं तो कई हादसे रोजाना या सप्ते में कहीं ना कहीं नजर आ ही जाते हैं। अधिकांशतः ये जो हादसे होते हैं वह तेज रफ्तार या शराब सेवन की वजह से होते हैं और कई बार उन जिम्मेदारों की वजह से भी हो जाते हैं जो उनकी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए उदयपुर शहर के मुख्य चौराहों पर कभी कुछ तो कभी कुछ निर्माण करवा देते हैं, जिसके चलते उदयपुर शहर के आम जन त्रस्त हो जाते हैं। ऐसा ही यह एक चौराया है। हालांकि इस तस्वीर को आप भूले तो नहीं होंगे, कुछ बोझल बोझल सी या तो कुछ धुंधली धुंधली सी आपके याद जरूर आ रही होगी। यह सूरजपोल का वह चौराया है जो कभी ऐसा हुआ करता था, ऐसा दिखा करता था। अब ये था में तब्दील इसलिए हो गया कि जिम्मेदारों ने अपने दिमाग का प्रयोग किया और उसके बाद एक नए चौराहे का निर्माण किया, और जिसके तहत उदयपुर शहर की आम जनता लगातार नवीन चौराहे का विरोध करती रही। लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि उन जिम्मेदारों को ये था कि हमारी नाक का सवाल है, उदयपुर शहर का सौंदर्यीकरण बढ़ाना है। हालांकि सौंदर्यीकरण बढ़ा रही है, बढ़ा या न बढ़ा, लेकिन शहर का अतिक्रमण अवश्य बढ़ गया, और वह भी उनका जिन्हें अतिक्रमण हटाने की जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि वे अतिक्रमण तो नहीं हटा पाए, लेकिन शहर के अंदर एक बहुत बड़ा सारा चौराहा बनाकर और चौराहे के मध्य गार्डन बनाकर अपनी नाक अपनी टांग ऊंची रखने की आदत रखने वाले वे जिम्मेदार, उन्होंने शहर की यातायात व्यवस्था को नेस्त नाबूद कर दिया, जिसका परिणाम आप यह देख सकते हैं। हालांकि शुरुआत में इसको ट्रायल बेस के ऊपर बैरिकेड्स लगाकर इस तरह का पथ संचालन चालू किया गया, उसके बाद उन्हें लगा कि ये सब कुछ ठीक है। हालांकि संबंधित व्यापार मंडल ले लो, विपक्ष ले लो, कई जनप्रतिनिधि जो वर्तमान में मौजूद है वह भी इस चौराहे का, बड़े चौराहे का विरोध कर रहे थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं सुनी। और जिन लोगों के पास है नहीं, उस चीज़ का उपयोग भी करके उन्होंने ये चौराहे का निर्माण करवाने का अंतर्गत अपनी कार्यशैली अपनाए रखी। अब देख सकते हैं यहाँ पर पूरा चौराया नेस्तो नाबूद हो गया। यहाँ की सारी व्यवस्थाएं चरमरा कर रख दी। उन जिम्मेदारों के पास दिमाग नहीं है तो उन्हें नहीं प्रयोग करना चाहिए। बीती रात ट्रक के हादसे के बाद एक बार फिर से उदयपुर शहर के जनप्रतिनिधि, चाहे वो वर्तमान मौजूदा बोर्ड के अंदर भाजपा के समर्थित पार्षद हो या फिर विपक्ष में भूमिका निभा रहे वार्ड 50 के गौरव प्रताप हो, अब कई लोग एक बार फिर से इस बात को पुरजोर तरीके से उठाने लगे हैं और कहने लगे हैं कि कहीं ना कहीं वह जो पुराना चौराया था वही सही था। अगर आप भी यह मानते हैं कि पुराना चौराया ही सही था, तो अपनी मुहिम को और तेज करें और हमें कमेंट करें। देखिए, एक हट को लेकर बैठे हुए अतिक्रमण की जिस कार्रवाई की आप बात कर रहे हैं, उन्हीं अतिक्रमण के हमारे सम्मानित अध्यक्ष छोगालाल जी ने भी स्वयं इसका मीडिया में, सोशल मीडिया में, अखबार तक में बयान दिया है कि इस चौराहे को बहुत गलत तरीके से बनाया जा रहा है। उन्हीं अतिक्रमण अध्यक्ष की वार्ता का जायजा लेते हुए मेरा निवेदन है बोर्ड से और बैठे हुए पदाधिकारियों से कि जायजा ले देखें और जनता की जो आवाज है, जो अभी हालात है, जिस तरह से एक के बड़े दुर्घटनाओं का घर सूरजपोल चौराहा बन गया है, कोई जान माल का खतरा रात को हुआ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको नजरअंदाज कर दें, एकलिंगनाथ का आश्रम न रहे, परंतु बोर्ड की ये जल्द से जल्द, मेरा निवेदन है बोर्ड से कि प्रावधान लेके इसे छोटा कराएं और जो जनता की आवाज है उसे सुने, जनता के आदेश अनुसार कार्य हो। यही जानकारी के लिए, अवगत कराने के लिए आज हमने ये बात निकाली है। कल रात को भी एक एक्सीडेंट हुआ है, रात को 12:30 करीब हुआ है, एक ट्रक ने पूरा चौराया खंडित कर दिया है। अब रोज रोज नगर निगम की, एक तो पहली बात तो ट्रैफिक की समस्या से उदयपुर पहले ही जूझ रहा है। स्मार्ट सिटी के नाम पे अगर ये चौराया इतना बड़ा किया जाता है तो उससे ट्रैफिक और बढ़ जा रहा है। अगर इसको सीरियसली लेके अपन इस चौराहे को छोटा करके सीधा रास्ता चालू करें तो लोगों को जो ये यू टर्न लेके घूमना पड़ रहा है उसका समय भी कम होगा और ट्रैफिक की जो अपन को रियायत भी मिलेगी। और ये जो एक्सीडेंट जोन है, ये मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ कि आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं। या तो यहाँ पे साइडों में बैरियर जो हैं वो व्यवस्थित रखाया जाए, या तो इस चौराहे को एकदम सीधा करके इस टुकड़े तक जहाँ से सीधा रास्ता जाता है सूरजपोल से दिल्ली गेट, ये करा जाए, ये हमारी मांग है। 6 करोड़ की पार्किंग है, इसमें कहीं से भी ये नहीं लगता ये निगम की है।
नहीं, ये जो चार मंजिला पार्किंग है, जो ओपन पार्किंग है, ये अभी अभी इसका उद्घाटन हुआ है। इसके लिए एक बोर्ड की आवश्यकता है, जहाँ पर नगर निगम सरकारी बोर्ड का एक बोर्ड लगे, जिससे लोगों को भी पता पड़े कि पर बीच में आचार संहिता और चुनाव के रिलेटेड ये प्रॉब्लम की वजह से काम रुका हुआ है। हमने इसका प्रस्ताव भी रखा है कि आप एक बोर्ड लगाइए तो जनता को भी पता पड़े कि इसका शुल्क क्या है और ये सरकारी पार्किंग है, नगर निगम द्वारा पार्किंग। आज से पूर्व भी जब पुराने कलेक्टर साहब आए थे, जब टाउन हॉल के सामने रास्ता खोला था, उस समय भी मैंने निवेदन किया था कि इस रास्ते को थोड़ा चौड़ा करें, ये जो नेक बनी हुई है इस नेक को खत्म कर दें, रोड स्ट्रेट हो जाए, सीधा का सीधा रोड हो जाएगा ये, तो ये जो टर्न होता है वहाँ पर एक्सीडेंट जोन बन गया है। उस टाइम भी मैंने निवेदन किया था कि इस चौराहे को थोड़ा छोटा कर दें तो व्यवस्थित चलेगा, और रात को वो हो ही गया। ये तो ठीक है, रात का लेट आवर, लेट नाइट का टाइम था, ट्रैफिक नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा होने की संभावना थी, बड़ा हादसा हो भी सकता था। अभी भी आप अगर चौराहे पर देखेंगे जो टर्न है, उस टर्न पर कई जगह एक्सीडेंट जोन बन चुका है, वो कई एक्सीडेंट होते हैं, रोज़ लड़ाई झगड़े होते हैं। हम लोग, मेरा कारोबार पास में ही है, मैं यही पास में कारोबार करता हूँ मार्केट में, तो आए दिन हमारा आना जाना होता है इस चौराहे पर, तो कई बार लोगों को छुड़ाना पड़ता है, नहीं लड़ो नहीं भाई। हमारा नम्र निवेदन है कि इस चौराहे को सही व्यवस्थित कर दिया जाए तो लोग आराम से आवाजाही कर सकें। ये टूरिस्ट पॉइंट है, यहाँ कारें खूब आती है, गुजराती जब आता है बेचारा पूरा राउंड लगाता है, पूरा परेशान होता है, स्टेट चला जाएगा उसको कहीं जाना है तो कंफ्यूजन बहुत है इस चौराहे पर, कंफ्यूजन बहुत है कि उसको कहाँ जाना है। स्टेट रोड होता है तो सीधा आदमी चला जाता है, व्यवस्थित चला जाता है। आप लोगों से निवेदन है, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ न करें, लोगों का ध्यान दें, इस चौराहे को व्यवस्थित बनाएं, और इस चौराहे को स्ट्रेट कर देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, व्यवस्थित हो जाएगा। 6.5 करोड़ की पार्किंग बनी है, पता नहीं पड़ता किसकी है, किसकी है, बोर्ड भी लगाया नहीं। जी, ये भी व्यवस्थित होना चाहिए, ये भी व्यवस्थित होना चाहिए। ये पार्किंग तभी यूज होगी जब ये चौराहा छोटा होगा, क्योंकि आदमी रुक ही नहीं सकता इस पे, क्योंकि एक्चुअल में आदमी जब आता है सामने से तो वो लेफ्ट टर्न हो जाता है, तो ब्रेक होगा ही नहीं, उसके नजर ही, उसको तो घबराहट होती है यहाँ पर कि मैं किधर जाऊँ, वो कंफ्यूजन की वजह से इस पार्किंग का भी सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। एक बोर्ड तो लगाना चाहिए नगर निगम, बिल्कुल लगाना चाहिए बोर्ड लगना चाहिए नगर निगम पार्किंग, उस पर शुल्क चार्जेस होना चाहिए, टाइमिंग होना चाहिए, सब होना चाहिए उस पर।